मजबूर है ऐसा कहने के लिए। उनके पास भी आई पी एस विभाग रहा है 5 साल रहा। जब उनके पास आई पी एस विभाग था उस वक्त लोग जो है एक एक पाइप के लिए तरसते, कहीं भी किसी को नलका लगाना होता तो वो कहते हैं कि अपना पाइप ले आओ और नलका लगाने के लिए जो फिटिंग की दूसरी सामग्री है उसको ले आओ और साथ में पैसे भी दो जो कि लेबर कंपनी को वहाँ पर पैसा दे। एक ऐसी स्कीम थी उनके चुनाव क्षेत्र के अंदर जिस स्कीम का उन्होंने नियम पत्र जो है 2005 में लिखा, उस वक्त वो आई टी मिनिस्टर थे 2005-6-7, लेकिन उसके बाद भी वो लगातार मंत्री भी रहे, पोजीशन में भी रहे और 2017 तक जो है उस स्कीम को नहीं बना सके। आज मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का। मैंने मुख्यमंत्री जी के सन्मुख इस बात को रखा कि एक ऐसी स्कीम है जो स्कीम 17 पंचायतों को पानी देगी और ग्रेविटी में पानी आएगा, और मुख्यमंत्री जी ने धनराशि दी और हमने उस स्कीम को एक समयबद्ध में पूरा किया है। 17 पंचायतें जो है विधानसभा चुनाव क्षेत्र की वहाँ पानी दिया है और साथ में 2 पंचायतें जो हैं वो जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र की नोहड़ी और एक साथ और दूसरी पंचायत है उसको भी वहाँ पानी दिया है। अब वो इससे उनकी बखलाहट इसलिए जानी जा रही है, एक तो हार गए हुए और दूसरी जवाहर ठाकुर जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे विधायक हैं उनने इतना विकास कराया है 4.5 साल के कार्यकाल के बीच में। अब अगर हम एक तुलना करें कि कौल सिंह का 8 बार का कार्यकाल और जवाहर ठाकुर का एज ए पहली बार विधायक का 4.5 साल का कार्यकाल जो है वो 40 साल के ऊपर भारी पड़ रहा है, इसलिए वो कौल सिंह की बुखलाहट झलकनी आवश्यक है। दूसरा सबसे बड़ी बात है उन्होंने 2 चुनाव तो ऐसे लड़े वो कहते हैं बस अगला मुख्यमंत्री मैं हूँ, लोगों को ठगते रहे। इस बार कांग्रेस पार्टी ने उनको किनारे बैठा दिया हुआ है जबकि वो कांग्रेस पार्टी में सबसे वरिष्ठ है, लेकिन किनारे कुर्सी लगा दी उनके बाहर, अंदर जो है वो प्रतिभा सिंह और उनका बेटा इत्यादि जो है वो सब मुख्य जो है उनके पास है और उनको बाहर कुर्सी लगा के कहा कि आप यहाँ से जो अनाप शनाप बोल रहा हो बाहर।